kayak bunuh diri aja. हो गया अच्छा तो बेटा लास्ट टाइम भी अपन क्वेश्चन कर रहे थे कॉन्सेप्ट सारे हो ही गए थे और आज का प्लान भी बता ही दिया था आपने कि क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे और बचा हुआ कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट एक रह गया था nth डेरिवेटिव वो nth डेरिवेटिव भी अभी करवाएंगे उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ ही है उसको देख लो क्या क्वेश्चन है डीआई पॉइंट डी एक्सपांड करना है सॉल्व करने का तरीका बता दिया था सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है nth डेरिवेटिव अभी करवाएंगे तो आप फिर निकल जाओगे बोलो सर अभी 5 मिनट में चालू अभी बेटा स्टार्ट हो रहा है चालू हो रहा है जब तक ये कॉन्सेप्ट वगैरह देख लो लास्ट टाइम तक सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी करा दिया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी करवा दिया था समझा दिया था डी टू आई पॉइंट एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करना है और आगे भी कैसे फाइंड करना है ओनली रह गया था nth डेरिवेटिव nवां अवकलन तो nth डेरिवेटिव अभी आज समझाएंगे आज करवाएंगे वो nवां अवकलन अभी आज करेंगे उसके पहले थोड़े क्वेश्चन करेंगे बाद में वो nth डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है nth डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका भी बताएंगे और उसको सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे nth डेरिवेटिव फाइंड करने की ट्रिक वो भी बताएंगे और पूरा सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे तो उसके पहले ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को जरा देख लें क्या है क्वेश्चन x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी गिवन है y इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी गिवन है और डी वाई पॉइंट डी एक्स फाइंड करना है तो सिंपल डायरेक्ट देखो आंसर कैसे लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इसको डिफरेंशिएट कर लो ए वन का जीरो हो गया कॉस का हो गया कितना साइन टी और ये क्या है ए टी का हो जाएगा वन साइन का हो गया कॉस टी तो सिंपल ए से ए कट गया थोड़ा सॉल्व कर लो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू वन माइनस कॉस होता है टू कॉस टू साइन होता है सॉरी टू साइन स्क्वायर टी बाई टू टू से टू कटेगा साइन से ये कटेगा कॉस अपॉन साइन कॉट टी बाई टू बचेगा तो सी आंसर आ जाएगा कॉट टी बाई टू एक बार और समझा चलो बेटा जरा ये क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार चाहो तो यार यहाँ समझा दे रहे हैं फिर से देख लो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का डिफरेंशियल निकाला ए वन का हो गया जीरो कॉस का हो गया साइन टी और ये ए ऐसे रहेगा टी का डिफरेंशियल हो गया वन साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस टी काट लो उसको साइन का फॉर्मूला लगा लो टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू और वन माइनस कॉस होता है टू साइन स्क्वायर टी बाई टू तो टू से टू काट लो एक साइन टी बाई टू से कट जाएगा कॉस अपॉन साइन बच गया यानी कि कॉट टी बाई टू इसका आंसर आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन था वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो डिवाइड कर दो कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं
तो आंसर आ गया इसका सी। गुड मॉर्निंग, सुन में आ गया बेटा? तो इसका आंसर आ गया सी। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। जय हिंद जय श्री राम। चलिए बेटा तो क्वेश्चन नंबर टू, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी बाई डी एक्स को लिखाइए, इसको ऐसा समझ लो टेन इनवर्स और रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया थ्री रूट एक्स माइनस तो थ्री रूट एक्स माइनस रूट एक्स का इंटू एक्स में करोगे तो ये आएगा कितना, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स लिखा हुआ है। इसको ऐसा समझो बेटा, ये है टेन इनवर्स थ्री रूट एक्स माइनस, और ये हो गया अपना रूट एक्स की पावर थ्री अपॉन वन माइनस थ्री, और ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर। गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़िए जल्दी। तो ये आइडेंटिटी ऐसी बन गई है, टेन इनवर्स थ्री, टेन वो था ना टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है बेटा। देखो टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है थ्री टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा अपना कितना थ्री टेन इनवर्स रूट एक्स। बस इसका निकाल दो डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल आ गया थ्री टेन इनवर्स रूट एक्स का हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स, और रूट एक्स का आ जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स। अब देख लो आंसर कौन सा आ रहा है, थ्री बाई टू रूट एक्स प्लस एक्स की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आ रहा है, थ्री बाई टू कौन से मेरे की में, ये इसमें दिया हुआ थ्री बाई टू वन प्लस एक्स रूट एक्स, ये आंसर आ गया अपना ई आंसर आएगा ई। ठीक है बेटा, सेकंड का ई आंसर आ रहा है। अगर था आपका गुड मॉर्निंग और आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ई। ये धर्मवीर कुशवाहा सी कह रहे हैं, ये सी क्या कह रहा है धर्मवीर? अरुण तोमर सुन आ गया ई आंसर है। अगर था आपका गुड मॉर्निंग, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। धर्मवीर तुम सी क्या कह रहे हो, कहाँ से आ रहा है सी? इसमें थ्री आ रहा है, अपॉन में टू है क्या, इसमें सी कहाँ जा, सी में टू पर आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है थ्री अपॉन टू, कहाँ आ रहा है इसमें सी में, पता नहीं धर्मवीर कहाँ से सी कह रहा था। जय हिंद गुड मॉर्निंग बेटा, आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जय हिंद गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। गुड मॉर्निंग बेटा बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अरुण तोमर गुड मॉर्निंग बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाओ बेटा। अरुण तोमर हाँ बेटा, nth डेरिवेटिव अभी करवाएंगे बेटा, nth डेरिवेटिव करवाएंगे। शुभम प्रजापति nth डेरिवेटिव अभी करवाएंगे बेटा, हमें याद है nth डेरिवेटिव, यहाँ लिख देते हैं हम nth डेरिवेटिव अभी करवाएंगे। चलिए बेटा इसको जरा देख लो, वो ई तो हो गया, अभी इसका आंसर बता बेटा, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको देखो जरा।
तो टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स है। इसको ऐसा समझ लो पहले, टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी टेन एक्स, और ये हो जाएगा बी प्लस ए टेन एक्स, कॉस से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अभी इसमें से मान लो बी कॉमन ले लें तो ये ऐसा बन जाएगा टेन इनवर्स, बी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स, और नीचे बचेगा अपना बी कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स, ये बी से भी कट जाएगा। अब ये बन जाएगा अपना टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स। तो बस अब डिफरेंशिएट कर दो, टेन इनवर्स ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है इसका, तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा कितना, जीरो माइनस टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, एक्स बचेगा तो आ जाएगा वन, जीरो माइनस वन यानी कि माइनस वन इसका आंसर है, बी बॉम्बे इसका आंसर आएगा माइनस वन। थर्ड का आंसर आएगा बी बॉम्बे, थर्ड का ई कह रहे हैं ये लोग, कुछ लोग थर्ड का ई कह रहे हैं पर ई गलत है, अरुण ने सही बोल दिया है, थर्ड का बी आंसर है, अरुण ने बिल्कुल ठीक बोला, संजय भी ने भी ठीक बोल दिया, इसका आंसर है बी, थर्ड का आंसर आया है बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा क्वेश्चन ठीक था, ये थर्ड का आंसर है बी, ये बेटा समझ आ गया। अब नेक्स्ट, ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक्सक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी वाई टू वाई टू एस टी डी वाई पॉइंट निकालना है, निकालो बेटा, ऐसे क्वेश्चन बात कर चुके हैं। राज श्रीवास्तव जल्दी करो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, सॉल्व करो, बताओ ये कितना आंसर आ रहा है इसका। राहुल बोल रहे हो बी, कौन से का आंसर बी बोल रहे हो, ऐसा बोलो फोर का बी, फोर का बी आ रहा है क्या राहुल, चलो सॉल्व कर लो बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, अभी बताया था हमने डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल निकाल दो, ए कॉस टी अपॉन एक्स का डिफरेंशियल ए, कॉस का हो गया कितना माइनस साइन टी प्लस लॉग टेन टी वाई टू, लॉग टेन टी वाई टू क्या होता है, लॉग टेन टी वाई टू का डिफरेंशियल क्या आएगा कॉसेक, लॉग टेन टी वाई टू का डिफरेंशियल क्या आएगा कॉसेक टी, कॉसेक टी, इसे ये काट लो, कॉसेक को लिखना वन अपॉन साइन, कॉस टी अपॉन क्या हो जाएगा जी वन माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी चला जाएगा, हो जाएगा वो जाएगा ऊपर साइन टी, और वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कटेगा यानी कि साइन टी अपॉन कॉस टी बचेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन टी, तो ए आंसर आएगा इसका ए, फोर्थ का आंसर आ रहा है ए, फोर्थ का आंसर ए है, अभय थापक ने सही बात दिया है, फोर्थ का आंसर है ए। राहुल श्रीवास बी पे अटके हुए हैं, पता नहीं कौन से का आंसर बी बोल रहे हैं राहुल, तो फोर्थ का आंसर आ गया ए टेन टी। समझ में आ गया ये फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर फोर हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का ए क्वेश्चन नंबर फाइव सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का बेटा आंसर बताएं, क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, अंशु बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ, चलिए बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या है। ये राहुल
हमने बेटा बताया है कई बार, हमने बोला कि जब आंसर लिखते हो साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो, क्योंकि कमेंट्स हैं वो डिले होते रहते हैं, लेट आते हैं कई बार, तो आंसर के साथ में क्वेश्चन नंबर लिखा करो। क्वेश्चन नंबर जब ए लिख रहे हो तो ऐसा लिखो 5 का ए या 4 का ए, इस टाइप से आंसर लिखो। राहुल श्रीवास ए लिख रहे हो, रवि ए लिख रहा है, ऐसा लिखो कि कौन से का आंसर है ये। चलिए देखते हैं ये, तो मान लो टी इक्वल टू क्या है, मान लो टेन थीटा है, अगर टी इक्वल टू टेन थीटा लेते तो एक्स इक्वल टू आता 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाता कॉस 2 थीटा, और अगर यहाँ पर वाई लेते तो वाई इक्वल टू आ जाता अपना साइन 2 थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का डिफरेंशियल हो गया 2 कॉस 2 थीटा, और इसका आ गया माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा था एक्स, तो आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, सी इसका आंसर है, माइनस एक्स अपॉन वाई इसका आंसर है सी। अगर अध्यापक ने लिखा है 5 का सी, अरुण बेटा ए ही है, कौन से का आंसर ए कह रहे हो, पुष्पेंद्र कह रहा 5 का ए, हाँ बेटा आप ठीक है। अरुण बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखा करो, जैसे ये धर्मवीर कह रहा 5C, ऐसे लिखा करो कि 5 का सी या 5C, ऐसे आंसर लिखा करो अरुण, इससे मैं पता रहे कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो 5 का आंसर सी आ गया, सबको समझ में आ गया, हाँ बेटा। ये बता दो बेटा ईमानदारी से, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने बता दिए थे कि नहीं, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट बता दिया था हमने। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस बेटा, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वही पैरामीट्रिक फंक्शन है। देखो बेटा इस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था कि x गिवन होता है, y गिवन होता है, और d2y/dx² निकालना होता है। हमने बोला था इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती मत कर देना। अमन सिंह तोमर कह रहे हैं ए, बेटा तोमर अभी हमने बोला, आवाज आ रही होगी कि आंसर के साथ में क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, ए या डी लिखने से काम नहीं बनेगा। जैसे अमन सिंह, हाँ आप ठीक है बेटा, 6 का ए कह रहे हो, देख लेते हैं अभी 6 का ए सही है कि नहीं है। तो पहले निकाला तुमने डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी निकाला तो आया 2a, और फिर निकाला डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आया अपना 2at, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको डिवाइड कर लोगे तो 2a कटेगा, 1/t बचेगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1/t, यानी कि माइनस का 1/t² इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि आंसर आया माइनस 1/t² इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, कितना था डी टी अपॉन डी एक्स आया था 1/2at, यानी कि माइनस का 1/2at³ इसका आंसर है, माइनस 1/2at³ डी आंसर है इसका बेटा, डी इसका आंसर है डी। 6 का आंसर ए नहीं है, 6 का आंसर डी है। पहले भी हमने बोला था ये गलती मत कर देना, ये जो बोल रहे थे काफी बच्चे ये बोल रहे थे, कुलदीप धाकर ने ये बोला है और उन्होंने भी ये बोला था, काफी बच्चे ये बोल रहे थे, तो इसका सही आंसर है डी। हमने बोला था बेटा यहाँ याद कर लो,
कि ये जो d2y/dx² निकालना है, d2y/dx² बढ़िया कांसेप्ट होता है, ढंग से समझ लो। डायरेक्ट dy/dx का डिफरेंशिएट करके आंसर मत लिख देना, इसका मीनिंग होती है dy/dx(dy/dt) यानी कि 1/t, और उसको सॉल्व करने के लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और (dt/dx) लिखना पड़ता है, (dt/dx). ये हमने अभिषेक सिंह बेटा खुश रहो, आगे बढ़ो बेटा। अमन सिंह तोमर कह रहे हैं सर ये गलत हो जाता है, तो बेटा बार बार इसीलिए हम कह रहे हैं, पिछले टर्म पे भी हमने बोला था कि बेटा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गलती हो जाती है, बट गलती करना नहीं। अमन सिंह तोमर समझ रहे हो कि नहीं, आवाज आ रही है बेटा अमन सिंह तोमर आवाज आ रही है, क्लियर सुनाई दे रहा है, क्लियर बात सुन में आ रही है? हाँ वो डी बोला था वो सही है, तो बेटा अरुण सिंह समझ में आ रही है बात? ये तो बेटा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गलती हो जाती है बट गलती करना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, गलती हो जाती है बट गलती करना नहीं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आंसर मत दे देना, यहाँ पर पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको और (dt/dx) लिखना पड़ता है, ये हमने बता दिया था बेटा, गलती होती है गलती करना नहीं, बार बार कह रहे हैं। हाँ बेटा चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखना बेटा गलती नहीं करना, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बेटा वो तो हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ अंशु बेटा, हो गया बात खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 की बात खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ अंशु। -1/t² नहीं आया बेटा, वो तभी आएगा अगर वो निकालना होता, वहां पर क्या है कि वो अगर dy/dt निकालना होता तो आंसर आता हो। चलिए बेटा dy/dx निकालना है, dy/dx तो यहां से dy/dx कितना आएगा, ये dy/dx अपना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, d आंसर आएगा इसका, d। चलो बेटा 7 का आंसर बोलो, 7 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है? सेवन का हमने डी बोल दिया कि 7 का डी आंसर है, तुमने सॉल्व कर लिया क्या? 7 का आंसर डी आ गया क्या? नहीं आया बेटा, समझ लो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 12th क्लास में था ये, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा x√1+y − y√1+x, स्क्वायरिंग कर लोगे तो x²(1+y) ये हो जाएगा y²(1+x), इंटू कर लो x²+xy, इधर y²+x²+x²y और ये y²(xy²), इधर उधर ले जाओ तो (y²)-y²+x²y − xy²=0 आएगा, फैक्टर कर लेना x+y (x-y)+xy(x-y) बचेगा (=0), x-y से डिवाइड कर लेना (x+y)+xy=0 आएगा, यहाँ से y कॉमन ले लो तो (1+x) बचेगा (=−x) आएगा, y=2 आएगा −x/(1+x), अब उसमें लगा लेना डिवाइड रूल तो dy/dx आ जाएगा अपना −1/(1+x²)². ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसको कर लेना।
एवन का डी। चलिए बेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर एट, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा इसने, क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू आएगी साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब यहां से डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो, जरा क्या आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो ये हो सकता है सब में लिखा हुआ होगा अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसका आंसर सी आना चाहिए, देखते हैं चलो। तो ये आ गया साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, और साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, ऐसे ही रहेगा साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। तो अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका उल्टा आएगा आंसर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आएगा, सी आंसर इसका। सी आंसर आएगा सी। आशीष भदौरिया क्या कहना चाहते हो, कायदा कॉन्सेप्ट समझना है तुम्हें, आशीष भदौरिया कौन सा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, आशीष भदौरिया कॉन्सेप्ट कौन सा समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट आशीष, एट का सी सही है बेटा, अंशु एट का सी सही है, मैट्रिक्स डिफरेंशियल, मैट्रिक्स का डिफरेंशियल नहीं होता है, वो डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल होता है कभी कभी, मैट्रिक्स का कोई डिफरेंशियल नहीं होता है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल होता है कभी, बाई चांस एक आध क्वेश्चन कहीं देखा होगा तुमने, उसमें कोई कुछ नहीं होता है, एक जो रो होती है या तो एक कॉलम होता है जिसमें एक्स का फंक्शन दिया होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सारे आइटम्स को ऐसे लिखा रख देते हैं, समझ गए, डिटरमिनेंट में होता है वो, मैट्रिक्स में नहीं होता, और वो एग्जाम में कभी आता नहीं है, कोई किसी सिलेबस में नहीं है, ना किसी सिलेबस में है ना कोई एग्जाम में आता है। चलिए बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया अपना, आगे और क्वेश्चन कर ही लेंगे अपन सारे क्वेश्चन के लिए। अरुण सिंह तोमर बेटा, ये क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो तुम्हें मिली जाएगी, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, आज सैटरडे है, वीकेंड हो रही है, तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले एंथ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट करवा दें बेटा, ठीक है अरुण, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ना करके कॉन्सेप्ट करवा देती हैं, कॉन्सेप्ट तो लिख लो बेटा, एंथ डेरिवेटिव, एंथ डेरिवेटिव, के लिए पहला क्वेश्चन मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर n है और उसका nth डेरिवेटिव पता करना है, nth डेरिवेटिव यानी कि y n पता करना है, या d की पावर n y अपॉन d x की पावर n ऐसा लिखते हैं, ये पता करना है, y n पता करना है, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह सब करवाएंगे बेटा, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है उपेंद्र राकर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, उपेंद्र मंडे से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ, फिलहाल एंथ डेरिवेटिव। चलिए बेटा कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान दीजिए,
तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो आया n x की पावर n माइनस वन, दूसरा निकाला तो आया n n माइनस वन x की पावर n माइनस टू हो जाएगा। y3 निकालोगे तो n चलो बेटा बताओ ये वीडियो अब चालू हुई क्या, बोलो बेटा अब तो वीडियो आ गई। ओके बेटा चलिए, तो x की पावर n का nth डेरिवेटिव जो निकालना था वो समझ आ गया, एक बार चेक कर लो। अगला एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं x की पावर कोई अगर कोई भी टर्म है उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं, तो मान लो क्वेश्चन ये है अपना y इक्वल टू मान लो साइन x है और इसका nth डेरिवेटिव निकालना है तुम्हें, nth डेरिवेटिव तो कैसे फाइंड करेंगे पहले वो तरीका बता रहे हैं और उसके बाद इसको फाइंड करने का ट्रिक भी समझा रहे हैं, ट्रिक तो अच्छे से समझ लो कि nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो तुमने y1 निकाला, y1 तो साइन का डिफरेंशियल आ गया cos x, y2 निकाला तो cos का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन x, फिर y3 निकाला तो आ गया माइनस का cos x। अब डायरेक्ट यहाँ से yn लिखना है तो कैसे आएगा आपको देखो, जरा cos x को लिख सकते हैं अपन sin pi by 2 plus x, माइनस साइन x को लिख सकते हैं sin 2 pi by 2 plus x, टू से टू कटेगा तो पाई प्लस एक्स साइन वन एट्टी प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है, इसको लिख सकते हैं अपन साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स साइन टू सेवेंटी प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वहीं से दिख रहा है कि वाई एन में आया पाई बाई टू प्लस एक्स, वाई टू में आया टू पाई बाई टू प्लस एक्स, y3 में आया 3 पाई बाई टू एक्स, तो yn में क्या आएगा साइन n पाई बाई टू प्लस एक्स, n पाई बाई टू प्लस एक्स, समझ में आ गया। बोलो बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये nth डेरिवेटिव साइन x का nth डेरिवेटिव, समझ में आ गया कि नहीं। साइन एक्स का एंथ डेरिवेटिव समझ आ गया कि नहीं, साइन एक्स का एंथ डेरिवेटिव समझ में आ गया कि नहीं, यस में बोलो तो बेटा आगे बढ़े फिर। यस नो कुछ बोलो तो फिर आगे बढ़े, इतने बोला हाँ। चलिए बेटा तो अब इसको ना सॉल्व करने का ट्रिक भी बता देते हैं, ट्रिक कि मान लो y इक्वल टू साइन x लिखा है तो इसके ऑप्शन भी तो दिए रहेंगे फिर, तो मान लो पहला ऑप्शन था साइन n पाई प्लस x, दूसरा ऑप्शन मान लो साइन n पाई बाई टू प्लस x, चौथा ऑप्शन कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स, और लास्ट ऑप्शन है मान लो नन नन। तो फिलहाल तो हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, चलिए बेटा ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक ढंग से समझ लो। अमन सिंह तोमर बेटा तुम जो ट्रिक कह रहे हो वही ट्रिक समझा रहे हैं बेटा, ध्यान दो जरा, जो ट्रिक समझा रहे हैं उसी ट्रिक पर जरा ध्यान दो, ट्रिक पर ध्यान दो। अनु वही ट्रिक बता रहे हैं, वही ट्रिक पर जरा ध्यान दे लो। देखो तो nth डेरिवेटिव निकालना है, तुम क्या करना इसका ज्यादा से ज्यादा दो बार डिफरेंशिएट करना, बस केवल दो बार। जैसे हमने y1 निकाला तो cos x आ गया,
और y2 निकाला तो आ गया minus sin x, y2 कितना आ गया, y2 आ गया minus sin x. अब y2 का चेक करना है तो ऑप्शन में n की वैल्यू 2 पुट कर दो, n की वैल्यू 2, तो यहां पर अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, यानी कि sin 2 पाई प्लस x, 2 पाई प्लस x अगर करते तो वो sin x आता, माइनस sin x के इक्वल नहीं आता, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया गलत. और यहां अगर पुट करते तो n की वैल्यू 2, तो यहां सी ऑप्शन से आता अपना n की वैल्यू 2, तो 2 से 2 कटता पाई, और sin पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का sin x आ जाता, सही आंसर है. अगर यहां पुट करते 2 तो 2 से 2 कटता पाई, cos पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का cos x आता, तो यहां से अगर सॉल्व करते तो n की वैल्यू 2 पुट करके क्या आता है, माइनस का cos x आता, जो कि सेकंड डेरिवेटिव माइनस cos x नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत, ये भी गलत और बी आंसर को सही है. n की वैल्यू 2 पुट करके हम चेक कर लेते हैं. सेकंड वाला समझाने बात ठीक, दो बार डिफरेंशिएट कर दो उसके बाद n की वैल्यू 2 ऑप्शन में पुट कर लो. दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें n की वैल्यू 2 पुट करके आंसर चेक कर लो, ये होती है इसकी ट्रिक. पूरा डिफरेंशिएट नहीं करना है, nth डेरिवेटिव अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दो बार डिफरेंशिएट करो और n की वैल्यू 2 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पुट कर लो. तो ये ट्रिक समझ आ गई क्या, ये ट्रिक समझ आ गई? अगर ये समझ आ गया है तो चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. एक मान लो y equal to cos x है और yn निकालना है, हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं. पहला ऑप्शन है cos n pi plus x, दूसरा ऑप्शन है sin n pi by 2 plus x, तीसरा ऑप्शन है cos n pi by 2 plus x, चौथा ऑप्शन है इसका नन, चौथा ऑप्शन नन. बेटा बताओ इसका आंसर क्या है, अनु दाकर क्वाड्रेंट समझ नहीं आया है तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है. अब से बेटा ये मेथड समझ आ गया आपको, कैसा लगा? अब से तो ये जो हमने nth डेरिवेटिव की ट्रिक बताई है, सब लोग ये बताएं ये जो ट्रिक है ये कितना टाइम लगने वाला है इसमें. अभी हमने जो ट्रिक बताई है बेटा, पहली बात दो चीजें बताना है आपको कि ये जो ट्रिक बताई वो आपको लगी कैसी, ये जो ट्रिक बताई है वो आपको कैसी लगी, और उसके बाद उस ट्रिक से ये आंसर पता करने में, ये ट्रिक से आंसर पता करने में कितना टाइम लगने वाला है. दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन उनके जवाब देना है. पहली बात तो ये ट्रिक लगी कैसी और दूसरी बात इसमें टाइम कितना लगने वाला है. आंसर तो सही है बेटा, आंसर तो सी बोल रहा है, सब लोग बहुत सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सी एकदम सही है. बस केवल ये बता दो कि ये ट्रिक कैसी लगी और इसको अप्लाई करने में टाइम कितना लगने वाला है. तो अवनीश ने जो सही जवाब दिया है उस तरह से जवाब देना था बेटा कि ट्रिक भी बहुत बढ़िया है और टाइम लगने वाला है 5 सेकंड या 2 सेकंड. अमन सिंह तोमर, तो बात समझ आ गई बेटा? अब सबने आंसर जब दे दिया है कि इसका आंसर सी है तो अब इसका सॉल्यूशन बताने की हमें जरूरत भी क्या है. तो चलिए बेटा अभी टाइम थोड़ा सा 2 मिनट का है, तो फिर अभी हाँ तो 2 मिनट का टाइम है. वैसे आपके सर आ चुके हैं पर फिर भी एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि आप उसका आंसर कितने सेकंड में देते हैं. हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं और अब ये देखते हैं कि उसका आंसर आप कितनी सेकंड में देते हैं. बेटा देखते हैं आंसर कितनी देर में देते हैं आप. थर्ड क्वेश्चन है ये मान लो, और क्वेश्चन है e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, और निकालना है हमें nth डेरिवेटिव.
ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, ऑप्शन है मान लो ए ई की पावर ए एक्स, बी है कितना एन ई की पावर ए एक्स, सी है ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स, और डी तो फिर नन है ही, डी अपना नॉट, नन ऑफ दीज। तो बेटा 2 सेकंड में आंसर बताइए, आंसर क्वेश्चन लिख के खत्म हुआ है और इसका आंसर बताइए। कुलदीप दाकर ने बोल दिया, अभिषेक ने भी बोल दिया, 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाया, उसके पहले आंसर बोल दिया आपने सी, वेरी गुड। तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही है, यहाँ क्वेश्चन खत्म और वहां आपका आंसर आ गया। तो कितना टाइम लग गया इसमें, 2 सेकंड, 5 सेकंड की, 15 सेकंड, 1 मिनट लगेगी, या क्वेश्चन हमने लिख के खत्म नहीं हो पाया, उसके पहले आपने आंसर दे दिया। तो ट्रिक ये समझ आ रही सबको, और टाइम कितना लगने वाला है तुमने खुद ही देख लिया होगा अभी, कि यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ और वहां आपके आंसर आ गए। तो इस तरह से बेटा सही है, बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये होता है nth डेरिवेटिव सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, और क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने की ट्रिक बता दी, जिससे आपका आंसर 2 से 5 सेकंड के अंदर आ रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। अभी तुमने खुद ही देख लिया, हमने क्वेश्चन लिखा और तुमने आंसर बता दिया, ठीक है बेटा। तो बस बेटा आज के बाद यही हम रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं, अगला टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर टुडे।